के बाद भोजपुर दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। बिहार सरकार के द्वारा एसटीईटी निर्णय के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के परिसर में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया और हवन करते हुए कहा कि बिहार सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे कि छात्रों के भविष्य खिलवाड़ बिहार सरकार न करे। आपको सुनकर ताजुब होगा कि सद्बुद्धि यज्ञ का हवन किया गया। ये सद्बुद्धि यज्ञ आखिर क्यों और किसके द्वारा? मैं आपको जानकारी दे दूं कि एसटीईटी के निर्णय के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए यह कार्यक्रम चलाया। कार्यक्रम प्रमुख ऋतुराज चौधरी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य छोटू सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार अपने शासन काल में मनमानी तरीके से चला रहे हैं। अगर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करेगा। वहीं उपस्थित विभाग प्रमुख चंदन तिवारी ने कहा कि पूरे बिहार में आज सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से बिहार सरकार को भगवान से आग्रह किया गया कि सरकार को भगवान बुद्धि दे कि आगे से बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। बिहार में चल रहे जो आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है सीटेट एग्जाम को लेकर के, एक तरफ जहां हाई कोर्ट ने कहा है कि इस पे अभी कुछ भी आदेश नहीं देना है, उसके हाई कोर्ट के खिलाफ में बिहार सरकार के द्वारा सीटेट एग्जाम कैंसिल किया गया, इसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे बिहार प्रदेश के द्वारा ये विरोध हो रहा है। और आज पूरे बिहार में आज हम लोग हवन के माध्यम से सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से बिहार सरकार को एक चेतावनी के रूप में हम लोग आज सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं कि आप सुधरिए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगा। छोटू सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, विद्यार्थी परिषद केंद्र आरा। परिषद द्वारा पूरे बिहार में 11 बजे से बिहार सरकार को सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से नीतीश कुमार को ये चेतावनी दिया गया है कि अगर बिहार स्टेट परीक्षा का अगर परिणाम अभी भी नहीं अगर लाते हैं तो बिहार विद्यार्थी परिषद मजबूर होकर चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। चंदन तिवारी, विभाग प्रमुख, आरा बक्सर।